नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से एक विदेशी प्लेयर का अपडेट निकल गया है। जी हाँ, ऐसा रूमर्स निकल गया है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कोलंबिया के खिलाड़ी विल्मर जॉर्डन गिल को ऑफिशियली कन्फर्म साइन कर चुका है। अभी बस ऐसा रूमर्स निकल गया है। मैंने इससे पहले यह न्यूज़ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट में दे ही दिया था, आप सभी फॉलो करते रहिए। वहाँ पर एक खिलाड़ी कोलंबिया से बिलोंग करता है और ये खिलाड़ी मेनली सेंटर फॉरवर्ड पोजिशन में खेलता है। इनका उम्र 32 इयर्स हुआ है। यह खिलाड़ी ज़्यादातर कोलंबिया में खेला है और एशिया में भी खेला है। एशिया में चाइना में खेला है, उसके बाद साउथ कोरिया, यूएई जैसे देशों में खेला है, उसके बाद पुर्तगाल में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने खेल खेला है। अगर इस खिलाड़ी का मैं 12 क्लब का हूँ तो कोलंबिया की अल्ट्राटिगोटी हुईल की तरफ से खेला है, उसके बाद सऊदी अरबिया के इमिरेट्स क्लबों की तरफ से भी एक खिलाड़ी खेल चुका है और चाइना में इजे टेदा क्लब की तरफ से एक खिलाड़ी इससे पहले खेल चुका थे। ये खिलाड़ी इससे पहले पुर्तगीज एफसी की तरफ से खेल रहा था और अभी ऐसा न्यूज़ निकल गया है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने सिल्वेस्टो की जगह इस खिलाड़ी को साइन कर चुका है। अभी कोई ऐसा ऑफिशियली न्यूज़ निकल के नहीं आया है। अगर ऑफिशियली न्यूज़ निकल गएगा तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये खिलाड़ी के अगर मैं टोटल अपीयरेंस के बारे में बात बोलूँ तो 229 अपीयरेंस कर चुका है टोटल और 77 गोल स्कोर कर चुका है। थोड़ा ठीक ठाक खिलाड़ी आप सभी कह सकते हैं इनको। और लेकिन अभी लेटेस्ट खबर के अनुसार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ये खिलाड़ी को साइन कर चुका है। बस ऐसा ही न्यूज़ देना था आप सभी को। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।